पर एप्लीकेशन जो थी वो उस पर डाउनलोड कर रहे थे कि मतलब टीवी जो होता है ना यहाँ पे, उसको जिस तरह बच्चों का प्रोग्राम है डिज्नी डिज्नीलैंड के, तो डिज्नी के प्रोग्राम वहाँ पे हुलू और जो भी मैच देखते हैं ना, तो वो इनको स्पेशल ऐप खरीदनी पड़ती। हाय व्यूअर्स, इट्स मी ज़ुब्दा खान, वेलकम बैक टू माय चैनल। पता नहीं किस तरह का महीना सच्ची हर दिन खुदा का बनाया होता है, लेकिन इस मंथ में ना हमारे साथ बड़े ही प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो हमारा ना कंप्यूटर हैक हो गया है। यस बेबी, आई विल। तो अचानक ही रिकना हम लोग नया टीवी लेके आए, उसको फिक्स कर रहे थे, और फिक्स करते करते वो सारी एप्लीकेशन जो थी ना उन्होंने फिक्स करनी थी। तो साथ ही उन्होंने ना वो डिज्नी का चैनल था वो भी ख़रीद रहे थे। मैं महीने पे मतलब इस तरह ख़रीद लेते ना, साल का पे कर दो या महीने का, तो वो कर रहे थे। उन्होंने उसकी वेबसाइट पे क्लिक किया और वो वायरस आ गया, और वायरस क्लिक हो गया ना, मतलब वायरस क्लिक नहीं हुआ। तो अब रात के 9 बजने वाले हैं, हम लोग जाने लगे हैं बेस्ट बाय पे कि अगर हम लोग जो है ना इसको चेक करा सकें, क्योंकि सारा आपको पता है कि सारा कुछ जो होता है इसके अंदर होता है, सेव होता है। तो चले मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। रिक जो है पहले ही चले गए हैं अंदर, और धुंध धुंध सी हो रही है और इतनी ज़्यादा सर्दी है। मैं जैसे घर में बैठी हुई थी, मैं घर की सफाई कर रही थी, और वैसे ही लेके भागे मैंने रिक को, ड्रॉप कर दिया दरवाजे के आगे। मैंने कहा नहीं, बंद होने वाला तो सबसे पहले आप अंदर चले जाओ, ये ना हो कि वो बिल्कुल कस्टमर अंदर करना बंद कर दें। मैंने कहा आप एक बार अंदर होएगे ना तो आप उनको चेक करा लोगे। तो मैं अंदर जा रही हूँ, जोल बेचारा मेरे साथ है, इतनी ज़्यादा सर्दी है। तो वो कह रही है कि बंद हो गया हुआ है, मतलब अंदर से जो है ना ये बेस्ट बाय खुला है, लेकिन उनका कस्टमर सर्विस जहाँ पे वो चेक करते हैं ना ये स्पॉट, वो बंद हो गया हुआ है। अच्छा, क्या कह सकते हैं। ओके, कस्टमर सर्विस जो है ना वो बंद हो गई हुई है, बस बाय खुला हुआ था तो मैं अंदर चली गई। मैं हर बड़ी नहीं सकती ना, भूल गई कार को लॉक करना। बस पता नहीं क्या मसला है, हम कोई सबका सानू ही देना पड़ना। सच्ची बहुत सारी मुश्किलात आ रही हैं इस महीने में, बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं हमारे। खुदा खैर करे तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। वहाँ पे तो हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिली और वो बंद हो गया था जैसे मैंने आपको बताया। तो अब उन्होंने हमें कहा है कि जी मंडे को ओपनिंग है, मंडे को मिले, मंडे को अपॉइंटमेंट ली है, लेकिन रिक ने कहा है कि मुझे सुबह जो है ना, मैं सुबह मतलब 10:30 बजे ना वैसे ही यहाँ पे पहुँच जाऊँगा, और मतलब अगर ये फ्री होंगे तो मैं इनको दिखा लूँगा, क्योंकि अगर आप वेटिंग लिस्ट में हो, उनकी कोई अपॉइंटमेंट ना आई हो तो वो देख लेते हैं। तो हमारी ब्रेड भी ख़त्म हुई हुई थी, मैंने लेनी थी, तो मैंने कहा कि चलो रेस्पायर तो निकले हैं तो ब्रेड ले आए। रात का टाइम है और सच्ची बहुत से कम कस्टमर जो है ना यहाँ पे हैं, तो मोस्टली मुझे यही था, मैंने कहा जो भी छोटे थोड़े मोटे सी चीज़ें रह गई हुई हैं ना तो वो ले आए। ये है जी ऑल टर्की सेक्शन, उन्होंने मतलब ये देखें 179 फ्रोज़न बटर बॉल टर्की। तो मैं बटर बॉल टर्की ही लेती होती हूँ, और मैंने लेनी है सबसे छोटे साइज़ में, तो मैंने अभी से देखना शुरू कर देनी है, ढूंढना शुरू कर देनी कि मुझे सबसे छोटे साइज़ में जो है ना वो टर्की मिले, ताकि मैं बेक कर सकूँ। या बट इट्स लुक लाइक दे ऑल हैव अ बिग साइज, आई कुडंट फाइंड द स्मॉल साइज, कैन यू मूव। अनार देखें कितने महंगे हैं, 2 for 5, यानी $5 के दो। कोई भी आप दो अनार उठा लो, छोटे बड़े साइज $5 के हैं, यानी के कितने पाकिस्तान के, कितने पाकिस्तान के कितने बन जाते हैं $1 जो है, मैं मर गई, 750-800 का एक अनार। मैं हिसाब है जी लाती रहना, लेने सिर्फ ब्रेड आए थे, और फिर भी आते आते जो है ना थोड़ी सी चीज़ें हो ही जाती हैं घर में, तो मैंने कहा चलो बाकी चीज़ें भी लेती जाऊँ, मेरा सलाद ख़त्म हुआ हुआ था।
हम लोग घर पे आ गए हैं, तो मैंने कहा मैं आपको बताऊं कि ये कैसे हुआ। हुआ ये कि हम लोग घर में बैठे हुए थे, बस बैठे उठाए सब मुसीबत फिर पै गई। रिक जो थे ना, वो न्यू टीवी जो था उसके उनके उसका सेटअप कर रहे थे। सेटअप करते करते हर एप्लीकेशन जो थी वो उस पर डाउनलोड कर रहे थे कि मतलब टीवी जो होता है ना यहाँ पे, उसको जिस तरह बच्चों का प्रोग्राम है डिज्नी डिज्नीलैंड के, तो डिज्नी के प्रोग्राम वहाँ पे हुलू और जो भी मैच देखते हैं ना, तो वो इनको स्पेशल ऐप खरीदनी पड़ती है यूट्यूब लाइव टीवी की। इन्होंने सारी वो ना डाउनलोड करनी थी नए टीवी में, वो कर रहे थे। और जब वो डिज्नी की करने लगे ना, तो ये अपने मोबाइल से सेटअप पर ना मतलब कर रहे थे, उसमें भी इनका जीमेल एड्रेस है, तो वहाँ से कर रहे थे, वहाँ से नहीं हो रहा था। इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने फिर वहाँ से ना, अरे कभी बात कर रहे हैं वहाँ पे ना, अपने सारे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को जो है ना ब्लॉक करने के लिए वहाँ पे फ़ोन अप कर रहे हैं। अभी हम घर वापस आए हैं, तो शायद पीछे से आप आवाज़ें सुन रहे होंगे उसके लिए भी। तो वो फ़ौरन ही मोबाइल से नहीं हो रहा था, इन्होंने ना कंप्यूटर पे जाके ना, तो वहाँ पे क्लिक किया, तो कहते साथ ही ना वो बॉल से बॉम्ब से आना शुरू हो गया, और कहते डोंट शट योर कंप्यूटर, और कहते एकदम सब जो था ना वो बंद हो गया। कहते मैंने उसको अनप्लग भी कर दिया और ना बंद भी कर दिया। वो तब भी कह रहा था डोंट शट योर कंप्यूटर, लेकिन इन्होंने फ़ौरन जो था ना उसको बंद कर दिया। तो उसके बाद ना इनके मोबाइल पे ना मैसेजेस आना शुरू हो गए, कि अमेज़ॉन के आना शुरू हो गए, हर कंपनी के जो थे ना वो मैसेज आना शुरू हो गए जहाँ जहाँ के थे। तो एकदम मैं भी परेशान हो गई, ये फ़ौरन आया बाहर, मैं काम कर रही थी, मुझे आके कहते हैं कि हमारा कंप्यूटर हैक हो गया। मैंने सुनी कि भी हैक होता है, मुझे नहीं पता सच्ची कि मतलब क्या कुछ हो सकता, बस ये सुना है कि हाँ वो हैकर जो होते हैं वो चीज़ें निकाल लेते हैं, वो पैसे निकाल लेते हैं और भी सारी इन्फॉर्मेशन जो होते हैं ना वो निकाल लेते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी, फिर मैंने ना अमेज़ॉन को जो था उनका भी इमरजेंसी नंबर निकाला, बाकी सारी कंपनियों के भी इमरजेंसी नंबर निकाले। एक मोबाइल जो था वो मेरे पे अमेज़ॉन से बात कर रहे थे, और अपने मोबाइल से हम दूसरी कंपनी से बात कर रहे थे, मैं इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं कर सकी। फिर जब मैंने बेस्ट बाय का टाइम देखा, तो मैंने कहा 9 बजे बंद होना, मैंने रिक्शे का मैंने कहा फ़ौरन लेके चलते हैं, शायद वो देख लें। वहाँ पे गए, और उसके बाद आपको पता है कि वो नहीं मिले। तो अब हम लोगों ने जो ना वो बनाया है, मेरा दिमाग जो है ना इस टाइम वो नहीं, तो मैंने कहा मैं ना व्लॉग ख़त्म करने से पहले जो है ना आपको सारा कुछ बता दूँ कि क्या हुआ है। तो ये हैं, आप सब अपनी दुआओं में हमें याद रखें, पता नहीं क्या मसला है, क्या नहीं, क्या हो रहा है इस फैमिली में, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है ना नवंबर में आने, नवंबर जब से हुआ है ना तब से ऐसा हो रहा है। तो अपने दुआओं में हमें याद रखिएगा। इसके साथ ही मैं लूँगी आपसे इजाज़त, कल मिलूँगी आपसे नए व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कीजिएगा। खुदा हाफिज़, लव यू ऑल।